अल्पसंख्यक छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति व 5 वर्षीय मौलाना आजाद फेलोशिप पर प्रतिबंध का लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने विरोध जताया। मोर्चा ने शुक्रवार को मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के फैसले का विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चन सिंह चौहान व वरिष्ठ सदस्य ओंकार सिंह के साथ तमाम पदाधिकारी मंडलायुक्त कार्यालय में एकत्रित हुए और प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया। कमिश्नर कार्यालय के सामने प्रदर्शनकारियों ने फैसले की भर्त्सना की। प्रतिबंध के विरोध में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में पदाधिकारियों ने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप पर प्रतिबंध को छात्र विरोधी करार दिया। आरोप लगाया कि सरकार छात्र व शिक्षा विरोधी है, लोग जागरूक न हों और सवाल जवाब न कर सकें, इसके लिए विश्वविद्यालयों का बजट घटाया जा रहा है जिससे छात्रों पर फीस का बोझ बढ़ रहा है। ओंकार सिंह का ये कहना है कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के लिए योजना लागू की थी ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के माता पिता पर बच्चे पर पढ़ने वाला बोझ कम हो। शिक्षा का स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई थी। पति महोदय को मुरादाबाद मंडलायुक्त के द्वारा भेजा जा रहा है क्योंकि द्रोणाचार्य कम थे अंगूठा काटने के लिए, जो आज भारत सरकार हक काट रही है। 2009 में जो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप फेलोशिप शुरू की गई थी वो इसलिए की गई थी कि जो अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं हैं जिनके माँ बाप गरीब हैं और वो पढ़ाई शिक्षा की फीस नहीं भर सकते और वो किसी राष्ट्र लेवल की परीक्षा भी पास नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए हैं द्रोणाचार्य वो उनके अंक काट लेते हैं, मार्क्स काट लेते हैं, जिससे जो है उनका जो है हक हो जाता है। तो एक आशा थी मौलाना आज़ाद फेलोशिप से, तो उसमें जो गरीब छात्रों के माँ बाप थे उनको एक सहारा मिल जाता था, जो डिग्री हासिल की जाती थी उसमें 30,000-25,000 से भी अधिक जो है छात्रों को मासिक लाभ होता था और वो प्रतिभा में अपने आगे निकल जाते थे। तो अब भारत सरकार ने जो एक गंदा काम किया है अल्पसंख्यक के साथ, जिसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, 6 धर्मों के लोगों को जो है के बच्चों को लाभ मिलता था और इनको आज भारत सरकार ने स्कॉलरशिप बंद करके, फेलोशिप बंद करके उनके शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। इसका लोकतंत्र बचाओ मोर्चा निंदा करता है और हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इस मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कॉलरशिप को अति शीघ्र लागू किया जाए, वरना लोकतंत्र बचाओ मोर्चा जन आंदोलन करने को मजबूर होगा। इस मौके पर शाकिर अली नाइनी, आबिद हुसैन अब्बासी, पार्षद शमशेर अली, आरिफ मलिक, अनवार मलिक, सैयद जुनैद, शादाब मलिक, अकरम खान, पूर्व पार्षद मोहम्मद नौशाद अली एडवोकेट, अशरफ अली एवं इरशाद आदि लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे।